भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,75,701 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,878 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सामने आने वाले अभी तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इस दौरान देश में 945 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 22,22,577 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक कुल 55,794 लोगों की जान गई है। वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14,161 नए मामले सामने आए हैं और 339 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। 11,749 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6,57,450 तक पहुंच गई है, जिसमें से 4,70,873 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,64,562 संक्रमित सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज हो रहा है। अब तक 21,698 लोगों की इस संक्रमण के कारण जान जा चुकी है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच शुक्रवार को 1,250 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण से 13 लोगों की मौत भी हुई है। उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,082 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,58,604 हो गए हैं। वहीं अब तक कोरोना के संक्रमण से 1,42,908 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 4,270 हो गई है। देश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार होता जा रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।